पूरी समझने की आवश्यकता रहती है। अपने भारत के ऐतिहासिक जीवन में भगीरथ की घटना, भगीरथ का योगदान एक अलग प्रकार का है। एक समय था कि जिस समय देश में एक बहुत ही भीषण इस प्रकार की परिस्थिति थी, जल का अभाव। उस जल के अभाव के चलते कृषि के बीच निर्माण हुई समस्याएं और उसके चलते अनाज का अभाव, सब प्रकार के प्राकृतिक संकटों से जूझने वाला उस समय अपना समाज, और हिमालय की शिखर पर गिरने वाला वर्षा का जल, वह दक्षिण की ओर आने के बजाय उत्तर की ओर बहकर जा रहा था। उसे जल प्रवाह को मोड़ना इतना आसान काम नहीं था। परंतु यह एक संकल्प लेकर कि इस भूमि को हरा भरा करना है, सुखी समृद्ध समाधानी करना है, यहां की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, कमियों को दूर करना है, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर उस महापुरुष ने एक पुरुषार्थ का भाव मन में लेकर इस कार्य को प्रारंभ किया। इतिहास साक्षी है कि कई पीढ़ियां उसके अंदर दबकर मर गई, समाप्त हुई। कई वर्षों तक वे निरंतर प्रयास चलता रहा। हिमालय की घाटी में सब प्रकार के अवरोध को दूर करते हुए गंगा का जल भारत के भूमि को सुजलाम सुफलाम करने के लिए लाना, इस पर का एक कठोर संकल्प लेकर उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था, और उसके परिणाम स्वरूप आज हम अपने देश को सुखी समृद्ध हरा भरा, ऐसा हम सबके भाग्य में हमको मिला है। और इसलिए जब हम भगीरथ के चरणों पर चलने की जब हम अपेक्षा रखते हैं, आकांक्षा करते हैं, तो उस भगीरथ के उस पुरुषार्थ को स्मरण करना पड़ेगा। अपने संकल्प के प्रति दृढ़ होकर वो नहीं चलते तो यह परिवर्तन दिखाई नहीं देता, इसलिए उस दृढ़ता के साथ चलना पड़ेगा। बाधाओं को दूर करते हुए वो चले हैं, जब हम उनका ही स्मरण करते हैं तो आज के वर्तमान में भी उन बाधाओं को दूर करते हुए यह प्रवाह निरंतर चलता रहे, इसकी कोशिश हम सबको करनी पड़ेगी। जिस प्रकार के संकल्प लेकर हम लोग भी चले हैं, तो हम सब संघ के स्वयंसेवकों के मन में प्रेरणा देने वाले केंद्रों में उस महापुरुष भगीरथ के कर्म का, कार्य का, तपस्या का, साधना का एक आदर्श उदाहरण हम सबके सामने है। और इसलिए उसी भावना को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य का अगर प्रारंभ हुआ है तो ध्यान में आता है कि उस समय भी अपने समाज के संदर्भ में जब हम सोचते हैं तो इस प्रकार की कई बाधाएं थी। इतना अपना माना जाने वाला श्रेष्ठ समाज गरीब, दुर्बल, उपेक्षित, अपमानित, आत्मग्लानि का भाव लेकर सब प्रकार के पुरुषार्थ को खोया हुआ समझकर
और अब इस भारत की और भारत में रहने वाले हिंदू समाज के यही अवस्था बनी रहेगी। अब ये समाप्त तो होने के मार्ग पर चल पड़ा है। इस प्रकार का एक जन सामान्य से लेकर इस देश का नेतृत्व करने वाले तथा कथित महापुरुषों के मन में यही भाव था कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसी अवस्था में पूजनीय डॉक्टर जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कैसे होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है। हिंदू समाज के जीवन में इसको एक अमरता का वरदान प्राप्त है। यह समाज समाप्त होने के लिए नहीं है, इसलिए अपने ऋषि मुनि उनके द्वारा एक वचन कहा गया और हम उसको दोहराते आए हैं। हम कहते हैं वयम अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत पुत्र हैं, हम मरेंगे कैसे, हम समाप्त कैसे होंगे। विश्व के मंच पर भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा हिंदू समाज के लिए दिया हुआ कुछ कार्य है, वो कार्य पूर्ण हुए बिना ये समाज समाप्त नहीं होगा। अगर भगवान ने अपने काम, अपने कार्य का साधन के रूप में अगर हिंदू समाज को चुना है तो ये समाज अपना कार्य पूरा करके रहेगा। जो विश्व के संदर्भ में है वो क्या है, तो जब हम अपने अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाओं में एक विश्व मंगल की कामना करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं, हम इस सारे मानव समूह के बीच एक शांति सद्भाव समन्वय का वातावरण बनेगा, ऐसी कामना लेकर चलने वाला चिंतन हिंदू चिंतन है। तो यह कार्य करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने पड़ेंगे और जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक हिंदू समाज समाप्त नहीं होगा। और इसलिए बहुत लोगों ने कोशिश की कि समाज को समाप्त करने के लिए, पर समाप्त नहीं हुए। दुनिया के कई देश, कई विचारधाराएं, कई संस्कृतियां, कई परंपराएं, कई प्रकार की जीवन शैली इस प्रवाह के थपेड़ों में अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाई, समाप्त होती गई। कभी कोई एक संपदा के लिए, वैभव के लिए अपने आप को सबसे सिरमौर हो चुका था, ऐसा रोम अब समाप्त रहे। रोम कहा है, नहीं रहा, वो रोमन संस्कृति नहीं रही। एक विचारधारा के क्षेत्र में शक्ति के बल पर जो ग्रीक संस्कृति यहां पर थी वो अब समाप्त हुई, वो नहीं रही है, पता नहीं कहां है। तो कभी अपने शस्त्र के बल पर सारे विश्व को मैं अपना गुलाम बनाऊंगा, विश्व विजेता बनूंगा, ऐसा एक गर्व का संकल्प लेकर, अहंकार को लेकर चला हुआ सिकंदर बहुत थोड़े समय में समाप्त हुआ। हमने कभी भी इस प्रकार के न अहंकार का न शस्त्र का उपयोग किया है। हम मंगल की कामना करने वाले लोग, उनके मुख में न अहंकार की भाषा शोभा देती है, न उनके हस्त को शस्त्र से शोभा होती है। और इसलिए अपना इतिहास अगर हम देखते हैं तो भारत हमेशा दूसरों को देने के लिए गया है, दूसरों को जगाने के लिए गया है। यहां से कोई भी किसी को लूटने के लिए, पराभूत करने के लिए नहीं गए, देने के लिए गए। तो यह अपनी एक परंपरा है,
परंतु देने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए। क्षमा करने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए। दुर्बल व्यक्ति की क्षमा को कोई अर्थ नहीं होता और दुर्बल व्यक्ति के मार्गदर्शन को कोई नहीं सुनता है। बात तो उनकी सुनी जाती है जिनके पास सब प्रकार का सामर्थ्य है। और अगर हम एक सकारात्मक विचार लेकर चले हैं, हम विश्व को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए अगर हम संकल्प लेकर चले हैं, तो यह कहने वाला समाज यह सामर्थ्यशाली होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, सब प्रकार के विजय की आकांक्षा लेकर चलने वाला चाहिए। और विजय की आकांक्षा इसका मतलब दूसरों के साम्राज्य पर अपने